subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज का ये जो पौधा देख रहे हैं इसे कमेंट्स के माध्यम से बताएं कौन सा पौधा है। जी हाँ, सही पहचाना है आपने, धतूरा का पौधा है। अगर नहीं पहचानते हैं तो जान लीजिए शिव जी को चढ़ाया जाता है। ये कमाल का पौधा है। अगर कोई दमा रोगी हैं तो उनके लिए बेस्ट औषधि इसके सहारे बनाई जा सकती है। दमा रोग को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। तो अगर कोई दमा से पीड़ित है तो कैसे इसका प्रयोग करना है, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। तंबाकू, धतूरा, अपामार्ग और जवासा, इन चारों औषधियों को बराबर मात्रा में आपको लेकर के आना है और इनका चूर्ण बना लेना है। इसमें से दो चुटकी चूर्ण चीलम में रख करके आपको पीने के लिए देना है उनको जिनको दौरा पड़ रहा हो। दौरा पड़ना बंद हो जाता है और काफ़ी कमाल की औषधि है। 100% लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई दमा से पीड़ित व्यक्ति है तो उसको इसका प्रयोग जरूर कराना चाहिए। 100% लाभ मिलता है। या फिर 6 ग्राम धतूरे के बीज और 2 ग्राम अफीम को पानी में पीस करके 33 गोलियां बना करके काली मिर्च के समान आकार की आपको गोलियां बनानी है, यानी कि बराबर बराबर की गोली बनानी है और इसे छाया में सुखा लेना है। इसके बाद दिन में 3 बार एक एक गोली देना है। इसको चूसने से दमा रोग कंट्रोल हो जाता है। या फिर धतूरे के फलों की राख लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग की मात्रा में लेकर के शहद के साथ सेवन कीजिए, इससे भी दमा रोग कंट्रोल होता है। या फिर धतूरे के फूल जो देख रहे हैं आप, इन फूलों पर फल आते हैं, एक फल को तोड़ करके ले आइए और इसे 2 बराबर हिस्सों में काट लीजिए। जी हाँ, ये फल जो देख रहे हैं आप, इसको 2 हिस्से में आपको काट लेना है। आधे भाग के बीजों को निकाल करके बाहर फेंक देना है और उसमें छोटी इलायची का चूर्ण अच्छी तरह से भर लेना है। आपको दूसरे भाग के बीज नहीं निकालने हैं, 1 भाग का ही बीज निकालना है आपको। इसके बाद दोनों हिस्सों को मिला करके धागे से लपेट करके पहले की तरह ही जोड़ देना है, यानी कि बांध देना है। इसके ऊपर बारीक कपड़ा लगा करके ऊपर की गीली मिट्टी से पूरे फल पर लेप कर देना है। ऊपर से ध्यान रखें, आप जैसे उपले बनाते हैं वैसे ही इसको पूर्णतः छाप देना है, यानी कि मिट्टी पूरी साइड से लग जानी चाहिए। मिट्टी का गोल एक ढेर बना दीजिए, इसको समझिए। तो एक तरीके से हर तरफ से गीली मिट्टी चढ़ा दीजिए। इसके बाद इसको कंडे से आपको जलाना है। जी हाँ, कंडा जला करके, उपले जला करके और उसके बीच में अच्छी तरह से रख देना है आग पर। इसको जब अच्छी तरीके से जल जाए तथा ठंडी राख केवल बच जाए तब इस कपड़े में मिट्टी में लपेटे हुए धतूरे को बाहर निकाल लेना है। इस फल को निकाल करके सावधानी से साफ करके मिट्टी इत्यादि हटा करके फल को अच्छी तरह पीस करके चूर्ण बना लेना है। लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग तक का चूर्ण का आपको गुनिया बना करके सुखा करके रख लेनी है अच्छे से। इसके बाद 2 से 3 गोली श्वास या दमे के रोगी को शहद में मिला करके देना है। इस दवा के उपयोग के बाद रोगी तुरंत लाभ पाने लग जाता है। कुछ दिनों तक लगातार अगर प्रयोग करते हैं तो दमा रोग पूर्णतः नष्ट भी हो जाता है। दमा के लिए ये बेस्ट औषधि है। ये प्रयोग करने में आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस धतूरे के पौधे के इस फल को लेना है, बीज से काटना है सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। इसके बाद एक साइड का आपको बीज निकालने हैं, उसमें इलायची के बीज भर देने हैं, वापस पुनः ऐसे ही बांध देना है। ऊपर से सूती कपड़ा इसलिए लपेटना है कि मिट्टी जो आप इस पर चढ़ाएंगे वो आसानी से बाद में निकल जाए। तो सूती कपड़ा चढ़ाइए, उसके ऊपर से आपको मिट्टी का लेप बना करके गोली बना लेना है। फिर आप आग जलाइए, उपले जलाइए कंडे और उस पर इसको रख दीजिए। और जब ये जल जाए, पूर्णतः गर्म हो जाए और राख बुझ जाए तब आप इसको ठंडा होने दीजिए। इसके बाद ऊपर की मिट्टी को फोड़ करके हटा दीजिए और अंदर जो आपका धतूरा निकलेगा उसको धो करके इसके बाद उसको पीस करके आप गोलियां बना लीजिए और इसको शहद के साथ दीजिए। दमा रोग कंट्रोल हो जाएगा। धतूरे के आधे सूखे हुए पत्तों के चूर्ण को लगभग 1/2 ग्राम की मात्रा में लेकर के बीड़ी अगर आप पिला देते हैं तो भी मरीज को लाभ मिल जाता है, दमा रोग कंट्रोल होता है। यदि 10 मिनट तक दमे का दौरा शांत न हो तो अधिक से अधिक 15 दिनों बाद दूसरी बीड़ी पिला दीजिए। तब भी आराम न हो तो बीड़ी नहीं पिलानी चाहिए। जिसे धतूरा अनुकूल न लगता हो उनके लिए नहीं देना चाहिए, उनको डॉक्टर से दिखा दीजिए। धतूरा, अपामार्ग और जवासा को बराबर मात्रा में लेकर
करके चूर्ण बना करके चिलम में भर करके भी देते हैं तो भी आप दमा रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इस प्रकार से आप दमा रोग को कंट्रोल कर सकते हैं धतूरा से। पूर्णतः ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल है या परेशानी है आपके मन में तो लिख भेजिए। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।